अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। तो कई दिनों से आई नोटिस्ड के बिल्कुल भी इसमें स्पेस नहीं बचा था। डकवेट इतनी ज़्यादा हो गई थी शॉर्टटेल पाउंड के अंदर, और शॉर्टटेल मुझे बिल्कुल दिख नहीं रही थी। मगर ये था कि मैं फीड डालता था, दाना डालता था, तो वो आ जाती थी खाने के लिए कुछ ना कुछ, मगर सारी नज़र नहीं आ रही थी। तो आई डिसाइडेड कि आज मैं इसको ज़रा देखता हूँ, थोड़ी सी इसकी सफाई भी करता हूँ। थोड़ी बहुत मैंने डकवेट अभी यहाँ से हटाई भी ताकि पानी नज़र आए, और उसके बाद जो इसके अंदर हेयर एलगी वगैरह इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ओल्ड पाउंड है मेरे पास, और सबसे ज़्यादा ओल्ड होने की वजह से सबसे ज़्यादा हेयर एलगी और दूसरी किस्म की एलगीज़ वगैरह अभी इसमें ही ज़्यादा है। इंतहा यह है कि ये बाहर से भी बिल्कुल ही, अगर आप देखेंगे तो देखें बिल्कुल गल चुका है, और सारी एलगीज़ वगैरह जो और भी डिफरेंस होती हैं, जो खाली नमी वगैरह में रहती हैं, लकड़ी के ऊपर लग जाती हैं, वो भी इसमें साइटों से भी सब जगह पर लग चुकी है। तो देट इज़ द रियल रीज़न टू मेक अ वीडियो टूडे। हम आपको अपडेट दे रहे हैं इसकी कि यहाँ पर हम इसके अंदर क्या चीज़ करने जा रहे हैं, और कि ये पाउंड अब किस तरह का है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इसमें से ट्राई करते हैं कि हेयर एलगी जो है वो जितनी हो सके हम इसमें से निकाल लें, और उसके बाद फिर डकवीट उठाना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि अगला प्रोसेस क्या है। थोड़ी बहुत मैंने डकवीट उठाई है मगर वो मैंने जस्ट ज़ाया ही कर दिए। देखें पानी डालने की मद में, पानी के साथ मैंने उठाई है डकवीट, और पॉट्स के अंदर जो है वो पानी इंक्लूड करा है, तो उसके अंदर ही डकवीट भी चलेगी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होती है तो हम संभाल भी नहीं सकते, कहाँ तक संभालेंगे और क्या करेंगे। तो अब मैं हाथ डालने लगा हूँ इसके अंदर, ओह माय गॉड, देयर इज अ टू मच स्मेल, स्मेल इज टू मच हियर। ओह नो, इट्स टू बिग, इट्स रियली टू बिग। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी सोर्सेज के बगैर हेयर एलगी वगैरह ये कोई भी चीज़ आपके पाउंड में नहीं आ सकती। सोर्सेज कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, जैसे कि सनलाइट और सैंड, मिट्टी का होना, पत्थर का होना। सनलाइट का बहुत बड़ा एक किरदार है हेयर एलगी को जनरेट करने में। और फिर इसके अंदर क्या हुआ, इतना ज़्यादा ये क्यों हुआ मैं बताऊँ आपको। इसके अंदर हमने पेड़ डाले हुए हैं लाइक मनी प्लांट टाइप और दूसरी चीज़ें। तो ये देखें, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ये दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। पूरी देख रहे हैं आप, इन मनी प्लांट्स की वजह से। इसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, ये रहा इतना सा मनी प्लांट है जो कि पत्तों के साथ लगा हुआ है, और बाकी सब वेस्टेज बन रहा है। ये देखें, ओह माय गॉड, कितना सारा है ये, हमने डाल दिया यहाँ पर निकाल के। माय गॉड, प्लांट में प्लांट नहीं, वेस्टेज देखे, यहाँ नहीं पत्ते निकल रहे। इसको ले लेते हैं हम थोड़ा सा, बस इतना डालेंगे ना तो हम कंट्रोल में रख सकेंगे। ओके, ये देखें, टू मच यार, इट्स टू मच, ओह माय गॉड। वो तो अच्छी खासी बड़ी जगह है हमारे पास, अगर जगह छोटी होती तो मछलियाँ इसके अंदर स्विम भी नहीं कर पाती। और सबसे ज़्यादा हेयर एलगी उसमें लगी है, पता है क्या, ऑक्सीजन की भी वजह से। जितना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा उतनी ज़्यादा हेयर एलगी इफेक्ट होगा। अब ये प्लांट में यहाँ लगा, मनी प्लांट्स हैं बहुत ही प्यारे लीव्स के साथ है, तो मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। वहाँ तो ये हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब करीब से भी दिखाता हूँ मैं आपको, ज़मीन पे क्योंकि यहाँ साइटों में सारे पॉट्स हैं तो ज़मीन पे जो है वो एलगीज लगती हैं। ये देखें, ये स्मेल बड़ा है काफ़ी, इसको हम रोक लेते हैं, स्मेल काफ़ी बड़ा स्मेल, इसको वापस डालते हैं। ये देखें जी, ये प्लांट है, ये यहाँ एडजस्ट कर देना है इसको, एडजस्ट।
ओह माय गॉड, इट्स टू मच। ये आ गया दूसरा पीस हमारे पास, इसको भी हम इधर ही एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया एडजस्ट, यू कैन सी नाउ लुकिंग द ब्यूटीफुल। मैं इस पे से ये ऊपर, क्योंकि बिगनवेलिया लगा हुआ है ना, तो इसके पत्ते काफ़ी सारे हैं जो इसमें टूट टूट के गिरे हुए हैं, इनको हम हटा देते हैं यहाँ से। ताकि ज़रा हमारे को रियल माहौल एनवायरनमेंट जो है वो नज़र आए कि बेसिकली यहाँ चल क्या रहा है अंदर ही अंदर। पीछे का ये बिल्कुल क्लीन है, और इतने ज़्यादा हेयर एल्गी के साथ तो बेबीज़ भी अगर होंगे तो हमारे को नज़र नहीं आएंगे। देखिए गंदा डर्टी हेयर एल्गी जो कि पीछे नीचे होएगी। अच्छा, ये भी जिस तरह एक प्लांट होता है ना, ऊपर से ग्रोथ करता है तो नीचे से ख़त्म होता जाता है, इस तरह से ये भी बनती है, पीछे से ख़त्म होते जाएगी और आगे से बनते जाएगी। देखिए ख़त्म हुई भी चली हुई है सारी। ओके जी, अच्छा थोड़ी सी इसके अंदर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँ कि अगर से आपको अपने पाउंड को बहुत ज़्यादा हेयर एल्गी लगने से बचाना है तो कोशिश करें कि उसको सनलाइट से बचाएं। धूप से बचेगा तो हेयर एल्गी से भी मोस्टली बचेगा। वैसे तो सिर्फ रोशनी से भी जो है वो हेयर एल्गी जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, सनलाइट की जो डायरेक्ट रोशनी होती है उससे, मगर ये है कि उस तरह से नहीं बढ़ पाएगी जिस तरीके से डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से बढ़ती है। तो ये अभी हमने सारा इसमें से निकाल दिया, अब थोड़ी सी इसमें से डकवीट कम करते हैं ताकि हमें सही आइडिया हो कि अब बचा क्या। और ये देख लें एक दफ़ा और ज़्यादा कितनी हेयर एल्गी हमारे पास, ये तो हम फेंक ही देंगे ऑलमोस्ट सारी की सारी। कचरे की नज़र ये गई कचरे में, सारी की सारी गई कचरे में। खाली हो गया, डकवीट उठाते हैं इसी बाल्टी के अंदर मग्गे की मदद से, बहुत ही इजी रहता है ये। ऊपर ऊपर से खाली हमने पानी लेना है और इसमें कल्टी करता जाना है। अच्छा, डकवीट को ज़्यादा सनलाइट देंगे तो भी डकवीट ख़राब हो जाएगी, कम सनलाइट देंगे या नहीं देंगे तो भी डकवीट ख़राब हो जाएगी। मतलब आपको ऐसी जगह वाले पाउंड में या सेटअप में डकवीट रखनी होगी जहाँ पर सनलाइट ना बहुत ही ज़्यादा हो और ना बहुत ही कम, मतलब 2-2.5 घंटे के लिए आए और उसके बाद ख़त्म हो जाए। और अगर ऐसी जगह दे देते हैं जहाँ पर सिर्फ सुबह सनलाइट आती हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा ही सिस्टम चलेगा। मगर सर्दियों में डकवीट ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद दोबारा हल चल के गर्मी आते आते बनती है। कितनी डकवीट है, सारी डकवीट हमने ये निकाल लिया और अब ये कंडीशन है पाउंड की। तो अब ये जो कंडीशन है ना, देखें इसमें हम डकवीट को एक साइड में कर सकते हैं, बढ़ती बहुत तेज़ी से। तो अब देखें इस साइड पर चलेगी सारी, देखा सारी उस साइड पर जा चुकी है। मैं बता रहा था कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है तो इसीलिए ये दोबारा ही बहुत तेज़ी से फैल जाएगी और शायद विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा ही ये कल्चर बना ले अपना। डकवीट निकली, वो सॉरी एल्गी निकली जा रही है। ये और थोड़ा निकल आया कचरा, इसको भी फेंक देते हैं। तो देखें इस तरह हमने जो है वो इसमें से डकवीड भी कम कर दी और हेयर एल्गी भी कम कर दी, एक तरीके की हमारी सफाई हो गई। अब पानी जो है वो मुकम्मल हिल चुका है, पानी देखें एकदम गंदा पानी हो रहा है। मैं इसको मग्गे में लेके दिखाता हूँ आपको सारी, क्योंकि मिट्टी हिल जाती है। ये देखें कैसा गंदा पानी है, मछलियाँ इसमें बहुत सारी हैं। इसका हम एक सेकंड पार्ट बनाएंगे बिकॉज 10 मिनट की ही वीडियो हो रही है और अजानें भी शुरू हो गई हैं, असर की होना, नमाज का टाइम हो रहा है। तो इसको यहीं पर ही जो है वो वाइंड अप करते हैं। और अब ये पानी क्योंकि बैठेगा तकरीबन 10-15 मिनट ले जाएगा, 10-15 मिनट में ये बैठेगा पानी और उसके बाद जो है फिर मछलियाँ नज़र आना शुरू होंगी। तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें बच्चे कितने हैं, मतलब सारी चीज़ें देखेंगे, ऑब्जर्व करूँगा मैं भी, तो आपको भी दिखा दूँगा सारी चीज़ें और कितने पेयर्स मौजूद हैं, क्या क्या मामला अंदर हैं, किस तरीके से पानी की क्वालिटी है और पानी की क्वालिटी जो है वो आगे बढ़ रही है। डकवीट मज़ीद निकालनी है या नहीं निकालनी ये भी हम उसी वक्त डिसाइड करेंगे। तो पार्ट वन के हिसाब से इसका नाम रख लेंगे हम प्रोग्रेस या अपडेट, शॉर्ट टेल पाउंड और पार्ट वन, और फिर पार्ट टू जो है वो आपके साथ कल इंशाल्लाह शेयर करेंगे और उसमें फिर आपको दिखाएंगे पूरी डिटेल। इस तरीके से पानी हो, बल्कि ये तो ज़्यादा ग्रीन है,
वो इंशाल्लाह क्रिस्टल निकलेगा, तो इस तरीके से फिर आपको अपडेट दे पाएंगे। इसमें अपडेट दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा इसमें दिख रहा है, और अभी बेबीज़ वगैरह इसमें कुछ भी नहीं आए हैं। अजानें शुरू हो गई हैं, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आज नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।